वेरी गुड डे एवरीवन, आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लैंड रिसोर्सेज के बारे में। ओके, सो लैंड रिसोर्सेज का जो पूरा है पार्ट मैं यहीं डिस्कस कर रही हूँ। ओके, इसी में ही मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूँगी, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सोइल इरोजन प्रिवेंट और कंट्रोल ऑफ सोइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन एंड कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन। हालांकि लैंड रिसोर्सेज में कुछ और चीज़ें भी हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें जिससे आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहला कि लैंड रिसोर्सेज होते क्या हैं। ओके, सो लैंड रिसोर्सेज क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स में से एक है, नेचुरल रिसोर्स में से। ये क्या करते हैं, जो भी ह्यूमंस हैं या मैन हैं या जो भी लिविंग बींग है, चाहे वो एनिमल्स हैं या कोई भी, उनको हैबिटेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, इनके रहने के लिए जगह देते हैं ये। ठीक है, ये इट इज़ ऑल्सो द बेसिस ऑफ मोस्ट और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि ज़्यादातर ये जो भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी होती हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, उनके लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, ह्यूमन्स एग्जिस्टेंस में। साथ ही साथ ये जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं वो एग्रीकल्चर या फैक्ट्रीज के लिए ही नहीं, ठीक है, और किसी के लिए, जो ज़्यादातर लैंड होते हैं वो किस लिए, ग्रेजिंग फील्ड्स के लिए यूज़ होते हैं, फॉरेस्ट को ग्रो कराया जाता है इन पर। साथ ही साथ रोड्स, रेलवे लाइन, ये सब कुछ इसी के सरफेस पे बिल्ड की जाती हैं। ये हमारा लैंड है, इसी पर ही हम रेलवे लाइन निकालते हैं, इसी पर हमारे बस स्टैंड भी हमारा घर होता है ना सबका। और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं नहर, नदी जो भी बह रही है, वो सब किस में ही है, लैंड पर ही करते हैं, लैंड के सरफेस पर ही हम करते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सभी किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, हम लैंड रिसोर्सेज की वजह से कर पा रहे हैं। वाटर ना हो, अगर लैंड ना हो, लैंड के ऊपर ही वाटर बह रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हम दूसरी चीज़ देखें, फूड, हम प्लांट्स कैसे उगाएंगे अगर हमारे पास लैंड नहीं होगा। तो ये जो भी हमारी नीड्स हैं वो किसकी वजह से पूरी हो पा रही हैं, लैंड रिसोर्सेज की वजह से पूरी हो पा रही हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, इसी के साथ अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रही है, द वैल्यू ऑफ बायोफिजिकल इन्वायरमेंट इज़ अफेक्टेड, यानी कि जो बायोफिजिकल इन्वायरमेंट है वो किसी न किसी तरीके से क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। बायोफिजिकल इन्वायरमेंट किसका, हमारे लैंड का, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी बायो लाइफ, बायोलॉजिकल चीज़ें हैं जो, यानी कि लाइफ, चाहे वो ह्यूमन लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, उन सभी की लाइफ किसी न किसी तरीके से क्या हो रही है, इन्फेक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेस एक्टिंग अपॉन द लैंड, किसकी वजह से, कि जो अलग अलग एक्टिविटी ह्यूमन्स कर रहे हैं उस लैंड पर। हालांकि नेचुरल रीजंस भी होते हैं इसके, सोइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैनिटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ सोइल विद इंडस्ट्रियल वाटर लाइक फ्लाई ऐश, प्रेस मड, हैवी मेटल, ऑल कॉज डिग्रेडेशन ऑफ फील्ड, है ना। यानी कि ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं हम, क्या क्या है वो, कंटेमिनेशन ऑफ सोइल, ठीक है, हम अपनी सोइल को पोल्यूट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाटर हो गया, ठीक है, फ्लाई ऐश की वजह से, प्रेस की वजह से, मड की वजह से, मतलब प्रेस मड की वजह से, हैवी मेटल्स की वजह से, ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारे लैंड को डिग्रेड कर दे रही हैं। नियरली 70% ऑफ ग्लोबल एरिया ऑफ एरेबल लैंड हैज़ नाउ बीन अफेक्टेड अपॉन सम डिग्री बाय डिग्रेडेशन एंड हैव लॉस्ट नियरली 1/3 ऑफ इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि जो एरेबल लैंड है, ठीक है, उसका लगभग 70% एरिया क्या हो चुका है, यस, बिल्कुल डिग्रेड हो चुका है, किसके वजह से, यस, इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से ही मेनली। तो और मेनली मैं कहूँ तो ये लगभग 1/3, यानी कि 1/3 पार्ट इसका क्या हो गया है, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी खो चुका है। तो ये भी क्या हो रहा है, एक तरीके से डिजर्ट ही बन रहा है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड क्या होते हैं। बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लार्ज डैम्स, रिजर्वोयर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे लाइंस, ठीक है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सब रिस्पॉन्सिबल होती हैं बहुत ज़्यादा
अमाउंट में हमारा जो फॉरेस्टेड एरिया है, इनकी वो एरिया जहाँ पर जंगल है उनको हटाने में। ठीक है, पहले क्या होता था, कुछ रिपोर्ट्स देखने के लिए मिली थी लैंडस्लाइड्स की ऋषिकेश और बयासी, ठीक है, बद्रीनाथ हाईवे एरिया में, जहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा था कि लैंडस्लाइड हो रहा है। बट इसके बाद जो हाईवे है वो दोबारा बनाए गए थे, ठीक है, 15 लैंडस्लाइड्स फिर देखने के लिए मिली हैं एक ही ईयर के अंदर। यानी कि दोबारा कंस्ट्रक्ट करने के बाद भी उस एरिया को क्या देखा गया, यस 15 लैंडस्लाइड एक ही साल के अंदर देखने के मिली हैं। ठीक है, जब रोड्स बनाई जा रही थी, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, ठीक है, जो बहुत सारा पोर्शन था किसका, फ्रेजाइल माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन्स आपको पता है वो खिसकते हैं, ठीक है, उसको कट किया कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है डायनामाइट के थ्रू, और एडजेसेंट वैली या स्ट्रीम्स में फेंक दिया, डाल दिया गया एक तरीके से। ठीक है, उसी के साथ साथ जो ये लैंड के मासेस, यानी कि लैंड के टुकड़े होते हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेजाइल थे, ठीक है, माउंटेन्स के स्लोप, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये आप देखते होंगे पहाड़ों, पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि ये जो हमारे पहाड़ होते हैं ये धीरे धीरे क्या होते हैं, खिसकते रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है, खिसकने की वजह से ये टूट जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, यहाँ पर दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो एरिया है जो अलग हुआ है, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, उठा करके कहीं फेंक दिया जाता है, वो कोई भी हो सकता है, आसपास की वैली में फेंक दिया, कहीं भी फेंक दिया। तो ये भी क्या है, रीज़न है, क्योंकि ये इसका बेस था, अब ये प्लेन हो गया है यहाँ पे, तो क्या हो गया, अभी और ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है, वेदरिंग अवे ऑफ सोइल, यानी कि जो सोइल क्या है, एक तरीके से ये सोइल की लेयर है, ये मिट्टी के साथ, हवा जो है, हवा के साथ या किसी भी रीज़न से क्या आ रही है, वाटर के थ्रू, जब यहाँ से उड़ करके कहीं और चली जा रही है। अब ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी है हमारी, ठीक है, बहुत अच्छी मिट्टी है, जहाँ पर हमें बहुत अच्छी क्या मिल सकती है, क्रॉप्स मिल सकती हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है एक तरीके से। सोइल इरोजन है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सोइल कंपोनेंट्स, यानी कि जो सोइल है वो जब मूव कर रही है एक जगह दूसरी जगह जा रही है, स्पेशली सरफेस लेटर, स्पेशली कौन सी सोइल, जो कि क्या है, सोइल के सबसे ऊपर वाली लेयर है, एंड टॉप सोइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। जो सोइल इरोजन है उसका रिजल्ट क्या होता है, जो भी लैंड है उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि जो टॉप सोइल लेयर होती है वो क्या होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर हमेशा फर्टाइल होती है। इफ़ वी लुक एट द वर्ल्ड सिचुएशन, अगर हम पूरी वर्ल्ड सिचुएशन को देखें, हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो 1/3 एरिया है वर्ल्ड क्रॉप लैंड का, यानी कि जो खेती की ज़मीन है पूरी दुनिया में, उसका 1/1 एरिया, ठीक है, वो क्या हो रहा है, काफ़ी हद तक इरोड हो रहा है। 2/3 इसका, यानी कि 2/3 जो एरिया है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, किसमें, वो भी ये कि मेनली एशिया एंड अफ्रीका से बिलोंग करता है, ठीक है। इसी के साथ ये टू टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं, नॉर्मल इरोजन या फिर जियोलॉजिकल इरोजन, और दूसरा होता है एक्सिलरेटेड इरोजन। क्या अंतर है दोनों में, जो नॉर्मल सॉइल इरोजन होता है ये नॉर्मली नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जब हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, नॉर्मल इरोजन या जियोलॉजिकल इरोजन। और एक्सीलरेटेड कैसे होता है, मैन मेड होता है, यानी कि जब इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से हो रहा है, तो वो क्या होगा हमारा, एक्सीलरेटेड इरोजन। नेक्स्ट है प्रिवेंट और कंट्रोल ऑफ सोइल इरोजन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला है हमारा कंजर्वेशनल टिल फार्मिंग, ठीक है, यानी कि जब तक हम क्या फार्मिंग शुरू ना करें उस पर, तब तक हम उसको कंजर्व रखें, काउंटर फार्मिंग करें, स्ट्रिप क्रॉपिंग करें, एले क्रॉपिंग करें, और इसके साथ साथ विंड ब्रेक या फिर शेल बेल्ट क्या से हम क्या कर सकते हैं, यस प्रिवेंट कर सकते हैं सोइल के इरोजन्स को। नेक्स्ट है हमारा डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या है, ये डिग्रेडेशन है लैंड का इन ड्राइड एरिड या फिर सब ह्यूमिड एरियाज, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर क्या हो गई है, बिल्कुल ड्राइनेस आ गई है, या जो भी ह्यूमिडिटी है, या मैं कहूँ ह्यूमिडिटी को
आर्द्रता कहते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। तो क्या होती है वहाँ की जो नमी है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज में नमी बोलते हैं, नमी वाला जो एरिया है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ड्यू टू प्राइमरीली ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेट वेरिएशन, यानी कि जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है। और दूसरा रीज़न क्या है इसका, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही है, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इट इन्वॉल्व डिप्लिटेशन ऑफ वेजिटेशन एंड सोइल, यानी कि वहाँ की सोइल है, वहाँ की जो वेजिटेशंस हैं, यानी कि जो वहाँ की क्या है बायोलॉजिकल लाइफ है, वो यूजुअली क्या हो रही जा रही है, डिप्लेट हो रही है, कम होती जा रही है। यूजुअली स्टेम फ्रॉम द डिमांड ऑन इंक्रीज पॉपुलेशन, किसकी वजह से, इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से, एंड सेटल ऑन द लैंड इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स एंड ग्रेज एनिमल्स, ठीक है। यानी कि क्या कर दिया गया है, यस हमने क्या कर दिया है वहाँ पर, अपनी खेती करनी शुरू कर दी है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, खेती करने की वजह से भी क्या होता है, ये हमारी एक लैंड है, यहाँ पर हमने खेती शुरू की, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो भी क्रॉप्स हम इस पर उगाएंगे, ठीक है, अब वो परमानेंटली यहीं भी तो रहनी नहीं है जैसे जंगल में रहते हैं, तो ये क्रॉप्स क्या होगी, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट लेना शुरू कर देगी इस लैंड के, ठीक है। और ये जो लैंड है इसके न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, माइनस में चल जाएंगे, यानी कि इसके न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, ज़मीन में जो जानवर होते हैं उनको हम चरने के लिए भेजते हैं वो भी। टूडे एन इंक्रीज एरिया ऑफ प्रोडक्टिविटी लैंड इज बीइंग डिमांड बाय डिजर्टिफिकेशन एट अ रेट मच फास्टर देन रिकॉर्डेड इन नोन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, सॉरी इट वॉज बीइंग डैमेज, यानी कि जो बहुत बड़ा एरिया है आज वो डिजर्टिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, ख़राब हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो डिजर्टिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमें प्रोडक्टिव लैंड की नीड है, क्योंकि पॉपुलेशन आप देख रहे हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली ज़्यादा क्रॉप, ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड चाहिए होगा, और इसी वजह से जो ये लैंड है वो क्या हो रहा है, डैमेज हो जा रहा है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो जा रहा है। और ये रेट इतना ज़्यादा है आज के टाइम में कि इतना पहले कभी नहीं हुआ ह्यूमन की हिस्ट्री में। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन, पहला है क्या है, डीफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि जो जंगल हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट गए हैं, ठीक है। इसी के ओवर ग्रेजिंग, जो हम हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा है माइनिंग एंड क्वेरिंग, तो माइनिंग क्या होता है आपको पता ही है, खोदना होता है ज़मीन से, और क्वेरिंग क्या होता है, क्वेरिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है जब स्टोन्स वगैरह या सैंड होता है उसको क्या कर रहे हैं, निकालते हैं ज़मीन पे से, तो उसे हम कहते हैं क्वेरिंग। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बाद में इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊँगी लैंड रिसोर्सेज का, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है ये वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।